नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आप अपने घर में कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग एक का पाठ मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता की कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत अपने बचपन में अपनी माँ के स्नेह से वंचित रही, क्योंकि उनके जन्म के 6 दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया है। बच्चों, इस कविता में वह अपने आप को एक छोटी लड़की के रूप में देखती है। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम उन दिनों को याद करते हैं जब हम एकदम छोटे से बच्चे थे। तो परिवार में छोटा बच्चा रहना कितना फ़ायदा रहता है ना। सभी लोगों का ध्यान, परिवार के सभी लोगों का ध्यान, प्यार दुलार सब हमारे पर, हमारे ही ऊपर रहता है। और इन सब में से सबसे ज़्यादा ध्यान किसका हमारे पर रहता है? वो है हमारी माँ का, है ना। तो माँ हमारे साथ 24 घंटे हमारी देखभाल करती है। बच्चों, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो माँ से हमारा ध्यान इतना नहीं रहता है, माँ का ध्यान हमारे ऊपर उतना नहीं रहता है जितना हम छोटे रहने पर हमारी वो देखभाल करती है। बड़े जब हम हो जाते हैं तो क्या कि हम अपना काम स्वयं करने लगते हैं। जैसे हम अपना कपड़ा खुद पहनते हैं, हम अपना खाना स्वयं खाते हैं। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो ये सब काम नहीं करता, तो ये सारा काम उसकी कौन करती है? उसकी माँ करती है। तो इस कविता में जो लड़की है वो बड़ा होना नहीं चाहती है, वो हमेशा छोटी बच्ची बनकर रहना चाहती है। और वह हमेशा ये चाहती है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे, जैसे पहले बचपन में उसकी करती थी। तो बच्चों, आज हम यही कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, आप अपने पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ। यह कविता है, ये बहुत ही सुंदर कविता है। तो बच्चों, किताब खोलिए, मैं कविता को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खोऊँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्र उदय। तो बच्चों, इस कविता में जो है, जो छोटी लड़की है वो हमेशा परिवार में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है? चलो जानते हैं क्यों रहना चाहती है। वह इसलिए रहना चाहती है कि वह हमेशा अपनी माँ की गोदी में सो सकूँ, माँ के गोदी में हमेशा रह सकूँ, बैठ सकूँ। वह चाहती है तेरा आंचल पकड़ पकड़, वह क्या चाहती है कि माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा चलती फिरती रहूँ। जैसे माँ बचपन में बच्चे को हाथ पकड़ कर चलती फिरती रहती है, वह अभी भी यही चाहती है कि माँ उसके आंचल पकड़ कर, उस माँ के आंचल पकड़ कर वह चलती फिरती रहूँ, कभी ना छोड़ूँ तेरा हाथ। और चाहती है
कि मैं कभी तेरा हाथ ना छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि जब छोटी होती हैं तो माँ अपने बच्चे का हाथ कभी छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर लड़की यही चाहती है कि अब भी जो है माँ उसका हाथ कभी ना छोड़े। आगे बोलती हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। तो माँ से वो शिकायत करती है कि माँ जहाँ जब हम बड़े हो जाते हैं तो तू हमारा उस तरह देखभाल नहीं करती है, तू हमें अकेला छोड़ देती है, तू हमारे साथ धोखा करती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जैसे बचपन में तू दिन रात हमारा हाथ पकड़कर चलती फिरती रहती है, अभी जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो आप मुझे अकेला छोड़ देती है, आप उस समय की तरह मेरे हाथ पकड़कर चलती फिरती नहीं है। अपने घर से खिला धुलामुख धूल पोछ सज्जित कर घात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बच्चों यहाँ पर बच्ची का अपने माँ से बड़ी शिकायत है, क्या कि माँ तू तो मुझे अपने हाथ से मतलब कर, कर का मतलब क्या है बच्चों, कर मतलब हाथ, अपने हाथ से तू हमें खाना नहीं खिलाती है और तू हमारा मुंह नहीं धुलाती है। धूल पोछ, जब हम खेल कर आते हैं तो हमारा धूल भी नहीं पोछती है। सज्जित कर घात, तू हमें सजाती भी नहीं है, सज्जित मतलब सजाना और घात का मतलब शरीर, तू हमारे शरीर को सजाती भी नहीं है। तू मुझे थमा खिलौने, तू मुझे खिलौने भी लाकर नहीं देती है और नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, और हमें परियों की सुंदर सुंदर कहानी भी आप हमें नहीं सुनाती है। जैसे आप हमें जो है बचपन में जब मैं छोटी थी तो आप हमारे को खुद खाना खिलाती थी, हमारा मुंह धुलाती थी, हमारे शरीर को पोछती थी, शरीर को सुंदर बनाती थी, हमें तरह तरह के खिलौने लाकर देती थी, हमें जो है परियों की कहानी सुनाती थी। लेकिन अब आप हमारे साथ ऐसा नहीं करती है, इसलिए क्या है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कभी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं तेरे प्यार तेरे स्नेह को खोऊँ ना, मैं तुम्हारे प्यार को कभी खोना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर जो बच्ची है वो अपने माँ की छोटी बच्ची बनकर रहना चाहती है, वो क्या चाहती है कि माँ मैं तेरे आंचल की छाया में हमेशा बिना किसी इच्छा के बिना किसी डर के छिपी रहूँ निष्भय निर्भय। निष्भय मतलब जिसे कोई इच्छा ना हो और निर्भय मतलब जिसे कोई डर ना हो। तो कहती है माँ मैं तेरे आंचल की छाया में बिना किसी इच्छा के बिना किसी डर के छुप कर बैठना चाहती हूँ। कहूँ दिखा दे चंद्र उदय, जो छोटी बच्ची है वो कहती है कि माँ जब हम छोटी थी तो माँ आप मुझे अपने गोद में लेकर चंदा मामा को दिखाने के लिए बाहर ले जाती थी। और मालूम है ना बच्चों कि माँ जो है अपने बच्चे को चंदा मामा दिखाने बाहर ले जाते हैं, चंदा मामा को दिखाकर जो है गाना गाने लगते हैं, जैसे चंदा मामा दूर के खीर पकाए भूल के हम तो खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, है ना, ये तरह गीत जो है माँ अपने बच्चों को सुनाती है। तो यहाँ बच्ची कहती है कि माँ तुम अभी भी मुझे उसी तरह चंदा मामा निकल कर आए तो मुझे बाहर ले जाए और चंदा मामा को दिखाए। तो बच्चों ये है हमारी आज की कविता जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा सारांश जो है इसका कर लेते हैं, क्या है इसका मतलब, इस कविता का छोटा सा सार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो हमेशा अपने माँ के गोद में रहना चाहती है, वो हमेशा अपने माँ के आंचल पकड़ कर चलना चाहती है, अपने माँ का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहती है। जब
बच्ची बड़ी हो जाती है तो वह अपना काम स्वयं करती है, जो काम माँ उसे कर कर देती है। जैसे माँ उसे खाना खिलाती है, उसका मुंह धुलाती है, उसे तरह तरह के खिलौने लाकर देती है, उन्हें उनके शरीर को सुंदर बनाती है, उन्हें शरीर को जब धूल लग जाता है तो उसे साफ करती है, परियों की कहानी सुनाती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये सब काम माँ नहीं करती है, लेकिन बच्ची चाहती है कि माँ ये सारा काम जो है माँ उसके लिए करती रहे। और वो ये चाहती है कि माँ जो है उसे अकेला छोड़ देती है। तो इसलिए इस कविता में जो लड़की है वो बड़ी होना नहीं चाहती है, वो माँ का आंचल को कभी छोड़ना नहीं चाहती है, माँ के आंचल में छिपकर बैठना चाहती है, क्योंकि माँ के आंचल में ना उसे किसी तरह का डर होता है और ना ही उसकी कोई इच्छा होती है, क्योंकि इच्छा तो हमेशा अपने आप ही पूरी हो जाती है, माँ उसे पूरा कर देती है। इसीलिए उसे ना कोई इच्छा की चाह होती है और ना ही कोई डर होता है, तो वो माँ के आंचल में हमेशा रहना चाहती है। तो ये है हमारा आज का कविता। तो बच्चों, इस कविता में जो कठिन कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि आंचल, आंचल जो है वो होता है माँ आंचल, जो माँ का आंचल होता है वो, और छलना, छलना मतलब कि जैसे इसमें आया था कि माँ जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, हाँ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, तो चलती, छलना मतलब, तो ये छलने का मतलब है धोखा देना। तो वो बच्ची को जो है अपनी माँ से शिकायत होता है कि माँ जो है उसे धोखा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मात, मात का मतलब माता। कर, कर का मतलब हाथ। सज्जित, सज्जित मतलब सजाना। और गात, गात का मतलब शरीर। निष्प्रय मतलब जिसे कोई इच्छा ना हो, और निर्भय जिसे कोई डर ना हो। तो बच्चों, इसमें कविता में कुछ प्रश्न भी है, चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न को करने से आप लोगों को और अच्छी तरह से ये कविता समझ आ जाएगा। तो कविता में सबसे पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए क्यों की गई है, क्योंकि परिवार में सबसे छोटे होने से क्या होता है, परिवार के सदस्यों का प्यार और दुलार जो है वो छोटे बच्चे को ही मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो माँ जुड़ाव है, सबसे ज़्यादा प्यार जो है उसका किससे मिलता है, उसकी माँ से मिलता है। तो इसलिए सबसे छोटे होने की कल्पना इस कविता में की गई है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी बने रहना पसंद करोगे? तो इसका आंसर है कि अपने माँ के प्यार को, अपने माँ के स्नेह को पाने के लिए, हमेशा अपने माँ के प्रेम को पाने के लिए और हमेशा अपने माँ के आंचल में के साथ रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं कहा गया है। समझ आए बच्चों क्या, कि अपने माँ के हम प्रेम को हमेशा पाने के लिए और हमेशा अपने माँ के ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ कहा गया है, क्या तुम भी बने रहना पसंद करोगे? क्यों नहीं पसंद करोगे ना बच्चों, कि माँ के स्नेह को हम भी पाना चाहेंगे और हम भी यही चाहेंगे कि हम हमेशा माँ के आंचल में ही छिपे रहे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो बच्चों, इन पंक्तियों का आशय क्या है? इन पंक्तियों का आशय यह है कि माँ जो है जब बच्चा छोटा होता है तो हमेशा उसका हाथ पकड़कर दिन रात चलती फिरती रहती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसका हाथ पकड़कर नहीं चलती है, उस समय माँ का रिश्ता
पीछे छूट जाता है। माँ जो है बच्चों का उस समय उसको अकेला छोड़ देती है, क्योंकि माँ ये चाहती है कि बच्चा आत्मनिर्भर बने, बच्चा अपना काम स्वयं करे, अपना ध्यान खुद रखे। चौथा प्रश्न है बच्चों, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, इस कविता की कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? तो छोटे समय में बच्चे अपने माँ के बहुत ही करीब होते हैं, तो इस पर कविता में क्या है, जैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में ही रखती है, माँ अपने बच्चे का को खाना खिलाती है, माँ अपने बच्चों को मुंह धुलाती है, उसके उसको जो है शरीर को साफ करती है, उसके शरीर को सजाती है, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाती है, से खिलौने लाकर देती है और परियों की कहानी सुनाती है, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस कविता में आई हुई हैं। आगे हैं, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या कार्य करती है। आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है, आपका कपड़ा जो है धो कर देती है, आपके आपको शरीर को सुंदर बनाती है, आप जब बाहर से खेल कर आते हैं तो आप लोगों को नहलाती है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को खिलौने ला कर देती है, आपके पढ़ाई में आपकी मदद करती है ना, और आप लोगों को जो है तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है। तो जैसे हर बच्चे की माँ करते हैं, वैसे आप लोगों के माँ भी आप लोगों के लिए ये सारा काम करती है। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? यहाँ पर जो है जब माँ बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ थोड़ा पीछे हट जाती है, माँ जो है उस तरह का देखभाल उसकी नहीं करती है जैसे छोटे बच्चे जब रहने पर उनकी देखभाल करती है। तो यहाँ पर माँ क्यों इस तरह करती है, माँ ये चाहती है कि बच्चा अपना काम खुद करे, क्योंकि बड़े होने पर हर समय माँ उसके साथ नहीं रहती है, तो बच्चा जो है अपना काम स्वयं करे, अपना देखभाल खुद करे। लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ उसके साथ धोखा करती है, लेकिन माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। माँ ये चाहती है कि बच्चा जो है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और अपना अपना आगे अपने जीवन में वो जो है निरंतर आगे बढ़ता रहे। यही सोचकर माँ जो है उसे बड़े होने पर उसकी देखभाल नहीं करती है ताकि बच्चा अपना काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा का वो ध्यान नहीं देती है, बच्चे का वो पूरा ध्यान रखती है, लेकिन दूर रहकर वो बच्चे का ध्यान रखती है और बच्चे का बच्चे को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही वो पीछे हटकर उसके उसका ध्यान देती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची के लिए करती है। तो ये कविता में जो है माँ अपनी छोटी बच्ची के लिए बहुत सारे कार्य करती है, जैसे माँ अपनी बच्ची को गोदी में सुलाती है, गोदी में लेकर घूमती है ना। फिर माँ जो है अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसे अपने हाथ से खिलाती है और माँ उसके हाथ पकड़कर चलती फिरती रहती है और उन्हें तरह तरह के खिलौने लाकर देती है, उनके शरीर को सजाती है, उनको नहलाती है, ठीक है, और जो है बच्चों को परियों की कहानी सुनाती है। तो बच्चों ये था हमारे इस कविता में आए कुछ प्रश्न जिनका उत्तर हम लोगों ने जाना। बच्चों इस कविता में जो है एक लाइन आया था, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, है ना। तो पकड़ के साथ में देखिए पकड़ पकड़ कर, अब हम आप लोगों को एक शब्द यहाँ पर दी है, बना, छिपा, दिखा, खिला। अब इसे जो है इसे कर लगाना है, तो बना से बना कर, छिपा छिपा कर, दिखा दिखा कर, खिला खिला कर, है ना बच्चों। ये देखिए शब्द बनाना, जैसे पकड़ का कर लगाकर पकड़ कर, बना उसमें कर लगाकर
बनाकर, छिपा छिपाकर, दिखा दिखाकर, खिला खिलाकर, है ना। अब बच्चों इनको, इनका आप वाक्य में प्रयोग करो। जैसे पकड़कर, पकड़ पर का वाक्य के प्रयोग करने से क्या बनेगा, क्या वाक्य बनेगा? बच्चे अपने माँ का हाथ पकड़कर चलते हैं, है ना, वाक्य बन गया। दूसरा बनाकर, सोहन चाय बनाकर मुझे पिलाया, है ना, बना वाक्य। तीसरा छिपाकर, रोहित मेरे किताब छिपाकर ले गया। दिखा, माँ मुझे चंद्रमा दिखाकर ले आई। खिला, रानी अपने माँ को खाना खिलाकर स्कूल चली गई, है। तो ये वाक्य बन गया। तो इस तरह कर लगाकर आप भी अपने घर में जो है वाक्य का प्रयोग करिए बच्चों। और इस किताब में हमारा कुछ और भी प्रश्न है। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों करता है? चांद के उदित होने की कल्पना करो। तो इसके अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जब छोटे होते हैं तो माँ चंद्रमा दिखाने के लिए बाहर ले आती है, तो वो चाहती है कि अभी भी जब वो बड़ी हो गई तब भी जो है माँ उसी तरह जब चंद्रमा आकाश में निकलता है तो उस समय उसे दिखाने के लिए माँ जो है उसे बाहर ले जाए। बच्चों अब मैं समझती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप घर में भी इस कविता का एक बार और अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छा से आपको समझ आ जाएगा। और आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।